साउथ कश्मीर के शोपिया में अचानक से बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ गए हैं और बताया जा रहा है कि अस्पताल में उनको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है। तस्वीरें सीधा अस्पताल से आपको दिखाएंगे, फिर इस हवाले से जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। ये तस्वीर तो साफ तौर पर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर शोपिया के अस्पताल से ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर बहुत सारे बच्चों की तादाद हॉस्पिटलाइज है और जो सिम्टम्स देखे जाते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, ये सभी बच्चों में पाया जा रहा है। पैनिक है, पर डॉक्टर्स ने कहा है कि पैनिक ना करें, और उसी के चलते फिलहाल बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को वहां पर दाखिल करवाने के लिए आए हैं। तस्वीरें भी सीधा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या वजह डॉक्टर ने बताई है, डॉक्टर की स्टेटमेंट भी हम आप तक पहुंचाएंगे, पर जो पेरेंट्स हैं तो चलिए एक लोकल है मेरे साथ शोपिया से जो इस वक्त लाइव ज्वाइन कर चुके हैं, मोहम्मद याकूब इनका नाम है। याकूब जी बताइएगा, अचानक से क्या सभी बच्चे बीमार पड़ गए हैं और क्या कुछ फिलहाल बच्चों को हो रहा है, क्या सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, और सभी बच्चे एक साथ बीमार होना, तो किस तरह का माहौल शोपिया में बना हुआ है, पेरेंट्स कितने परेशान हैं, बताइएगा। माइक अनम्यूट कीजिएगा। मैडम, पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप ये इस जो ये हमारे ये बच्चों का जो अभी जो ये मसला हुआ है शोपियान में, जो वो छोटे छोटे बच्चे खांसी बुखार और नज़ला में मुब्तला हुए हैं। तो हमें भी सुबह से 5-10 लोगों ने फ़ोन किया है, तो फिर हम गए हैं उधर हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में हमने देखा कि बच्चे बहुत बीमार थे, तो फिर हम उधर उधर जब पहुंचे तो बच्चों को देखा तो वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। तो ये पता ही नहीं कि इनको कैसी ये बीमारी लगी है। तो फिर जब हमने उधर बात की तो हमारे भी बच्चे जो थे वो भी इसी में मुब्तला थे, खांसी में। तो फिर जब हम गए डॉक्टर के पास, उन्होंने बताया हमको कि इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आजकल जो मौसम चल रहा है, तो जो सफेदे के दरख्त है पहले ही गवर्नमेंट ने वो बैन किए थे, जिनसे वो रुई निकलती है, तो उसी से ये बच्चे बीमार हो गए हैं। तो हम भी परेशान हो गए कि ये क्या बात हो गई है। तो फिर हम उधर ही मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास गए हैं, उन्होंने बताया है कि हमने जो हमारे ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट है तो उनको हमने 24 घंटे ऑन ड्यूटी पे रखा है। तो वो फिर हमें भी तसल्ली हुई है। और जब हम ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास बच्चे ले गए तो उन्होंने बताया कि आप पैनिक की जरूरत नहीं है, इसको एक तो मास्क पहनने की जरूरत है, और जो बच्चे हैं उनको दूसरे बच्चों से खेलने न दिया जाए, और स्कूल में भी इनको थोड़ी सी थोड़ा अलग ही रखना चाहिए। तो बस इसी सिलसिले में आपसे ये बात की कि डॉक्टर ने हमें बताया है कि पैनिक की कोई जरूरत नहीं है, मगर बच्चे जो देखे हैं उन्होंने बताया है कि अभी ये 4-5 दिन रहेगा तो ये खुद ही इसमें खुद ही ये बीमारी दूर हो जाएगी। मगर हम आपकी वसादत से अपने डीसी साहब से अपील करते हैं कि जो आपने पहले ही गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला था, जो सफेदे के दरख्त है उनसे जो रुई निकलती है वो सीधा ही हमारे सांस में आती है, तो आपकी वसादत से अपने डीसी साहब सचिन कुमार साहब से अपील करते हैं कि वो इस पे कार्रवाई करके वो सफेदे के दरख्त की कटाई शुरू करें। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ याकूब जी। इसी बीच डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, जो अचानक से इतने सारे बच्चे बीमार हो गए हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं, वो भी आपको बताएं। आज जो ये बच्चों की में वायरल पाया जा रहा है, क्या वजूहत है? जी, ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उमूमन वायरल होता है, और अभी सीज़न वही है, ये उमूमन स्प्रिंग में होता है और अर्ली समर में होता है, इनफैक्ट लेट फॉल में भी होता है।
और हमारे पास बच्चे आ जाते हैं आज बहुत सारी तादाद में आ जाते हैं और सिम्टम्स वही होती है, एक तो फीवर होता है, एक तो रनिंग नोज होती है और इची थ्रोट होता है। तो यही दो तीन सिम्टम्स हो जाते हैं और कई बच्चों में कफ भी आ जाता है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, थोड़े से पैनिक हो जाते हैं और वो इनफैक्ट जिसे कहा जाता है डॉक्टर शॉपिंग करते हैं। एक तो हॉस्पिटल में आ जाएंगे सुबह एक हॉस्पिटल, शाम को दूसरे डॉक्टर को, और उसके बाद प्राइवेट रिपीटेडली तकरीबन 5-6 डॉक्टर्स को दिखाते हैं और वेट नहीं करते। तो ये वायरल इन्फेक्शन है, इसमें थोड़ा सा सब्र करना है और ये तकरीबन हफ्ते में चला जाएगा। लेकिन कफ कभी कभी क्या होता है कि 2 हफ्ते तक रह जाता है। इनफैक्ट 10% ऑफ द पेशेंट्स जो होते हैं उनमें तकरीबन 2 हफ्ते तक रह ही जाता है और कभी कभार तो 2 to 4 weeks भी चला जाता है। तो क्या रहेगी मैसेज आपके उन मैसेज सिंपल है जी, मैसेज सिंपल है। एक पेरेंट्स को थोड़ा सा सिखाना है कि किन चीज़ों का ख्याल रखना है। एक बच्चे को ज़्यादा बुखार ना हो जाए और लेथार्जिक ना हो जाए और उसमें टिकपनिया ना हो जाए या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ना हो जाए, यानी सांस ना फूल जाए। ये 2-3 चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखना है बच्चे पेरेंट्स को। वो थोड़ा सा फीडिंग प्रॉपर करता है कि नहीं करता, यही कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है। इसके अलावा जिस बच्चे को भी इन्फेक्शन है दूसरे बच्चों के साथ मिक्स ना कर लें, अगर मिक्स कर लेंगे तो बाकी बच्चों में भी फैल जाएगा। वो सिचुएशन हो जाती है कि सारी कम्युनिटी में ये इन्फेक्शन फैल जाता है। हॉस्पिटल की जानिब से क्या तदाबीर किए गए इसके? तदाबीर तो फिलहाल हम पेशेंट्स को देख रहे हैं, तो अभी बस पॉसिबली जो CMO साहब है या हमारे जो BMO साहब बाकी है MS साहब, वो इस पर थोड़ा सा इनफैक्ट आज शायद उन्होंने मीटिंग बुलाई है पॉसिबली, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, तो वो इस पर शायद कुछ सोच रहे हैं। क्या स्पेशली स्पेशल कोई डॉक्टर रखा जाएगा मॉनिटरिंग के लिए? वो तो एडमिनिस्ट्रेशन जवाब दे देगी कि क्या रखना है, नहीं रखना है, क्या करना है, वो तो वही दे देंगे। थैंक यू। तो चलिए शोभिया का रुख करते हैं। आखिर में याकूब जी, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? डॉक्टर्स का कहना है जिसे इन्फेक्शन है, जिस बच्चे को, उसे दूसरे बच्चों से अलग रखना है, मास्क पहनना है, एहतियात बरतना है। 2 हफ्तों का किसी तरह का वायरल है जो चला जाएगा, पर फिलहाल बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो लिखते हैं कहीं पर गंदा पानी पीने को लेकर ये होता है, कहीं पर कोई वजह है। आपने जैसे कहा फीमेल पॉपुलर ट्रीज भी हैं जो जिससे काफी ज्यादा वहां पर परेशानी हो जाती है, लोग बीमार हो जाते हैं। क्या वजूहात आपको लग रहे हैं, क्या डॉक्टर्स ने बताए हैं, आखिर में क्या कहना चाहेंगे शोपिया में जिस तरह का माहौल बना है? मैडम, फिर हम गए हैं यहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब हैं, तो उससे हम मिले, तो उन्होंने उसी टाइम उन ये जो है ये जो बच्चों के जो डॉक्टर हैं उनको बुलाया है, एक मीटिंग ले ली उनसे, तो उन्होंने उनको बताया कि 24 घंटे ड्यूटी पे उनको तैनात करेंगे और लोगों से अपील करते हैं कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये उतना डेंजरस वायरस नहीं है कि उनसे कोई खतरा है, अलबत्त एहतियात करने की ज़रूरत है। तो फिर जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वजह भी यही है कि जो सफेदे के जो दरख्त है उनसे जो रुई निकलती है तो उनसे वो बच्चों के सांस में जा रही है, जब वो खेलते होते हैं अपने आंगन में या बाहर खेलते होते हैं तो उसी की वजह से ये बीमारी बढ़ जाती है। हमने आपसे इससे पहले भी कहा था, आपकी वसादत से ही डीसी साहब से अपील करते हैं, वो तुरंत ही इस पे कार्रवाई करके जो ये सफेदे के दरख्त है इनकी कटाई जल्द से जल्द शुरू की जाए, तो ताकि जो हमारे बच्चे हैं तो ये भी इस बीमारी से बच सकेंगे। शुक्रिया याकूब जी ज्वाइन करने के लिए और सभी को ये मैसेज पहुंचाने के लिए, क्योंकि इस वक्त जरूरत है पैनिक ना करने की, बच्चों का ख्याल रखने की और एहतियात बरतने की। देखते रहे फिलहाल JK News Point सब्जेक्ट में।